हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। यू आर वॉचिंग मिस्टीरियस वर्ल्ड। और भाई, आप लोगों ने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। गाइस, आज मैं ब्लैक होल के चार ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, ये आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, नंबर वन पर आते हैं हमारे खतरनाक गामा रे बर्स्ट। ये बात है 30 जनवरी 2005 की, जब कुछ एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। तो गाइस, वो देखते हैं अचानक से कि एक एनर्जी जेट, एक प्लाज्मा का जेट, जो कि बहुत ही स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा होता है। तो जब उसका पता लगाते हैं, तो वो उनको पता लगता है कि वो 150 मिलियन लाइट ईयर दूर से आ रहा होता है, और उसकी स्पीड होती है 75,000 किलोमीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा ही होती है। तो ये जब और पता लगाते हैं, ये देखते हैं कि ये एक ब्लैक होल से आ रहा होता है, जो कि सुपर मैसिव बहुत ही बड़ा है। इसका साइज इतना बड़ा होता है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बराबर। और साइंटिस्ट ये देखते हैं कि एक स्टार को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, उसको खा रहा होता है। और गाइस, ये जेट तब निकलते हैं जब ब्लैक होल खा रहे होते हैं, और खाते खाते उनका पेट इतना भर जाता है कि वो उल्टी करना शुरू कर देते हैं। तो होता ऐसा है कि जो भी मैटर ये अंदर ले रहे होते हैं, वो आकर क्या होता है, इनकी एक्सलेरेशन डिस्क होती है, और जिसको हम इवेंट होराइजन बोलते हैं, वहाँ पर वो जमा होता रहता है, और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ से वो जेट निकलने लगता है। इसको हम बोलते हैं गामा रे बर्स्ट। तो गाइस, चलते हैं अपने नंबर टू की तरफ। तो नंबर टू है हमारा टाइम डायलेशन। इसका मतलब होता है समय का रुकना, तेज होना या तो फिर धीमा होना, किसी को भी हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, इस पर तो बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज है, पर जो सबसे फेमस थ्योरी है, जिसको हम बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो दी थी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो हमारा टाइम होता है, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। या इसका मतलब ये है कि जो टाइम अर्थ पर चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि सेम टाइम ही मार्स पर चल रहा होगा। दोनों में डिफरेंस होता है, और टाइम होता है हमारा रिलेटिव। और ये कुछ इस प्रकार होता है, ये होता है सारा ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण इस प्रकार होता है कि जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर टाइम धीरे चलता है, और जहाँ पर ग्रेविटी कम होती है, वहाँ पर टाइम तेज चलता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मास वाली बॉडी होती है, जिसका मास ज़्यादा होगा, वो जाहिर सी बात है, वो स्पेस और टाइम में ज़्यादा व्रैप करेगी। हमारे ब्लैक होल भी कुछ इसी तरह से होते हैं। इनका मास इतना ज़्यादा होता है कि ये स्पेस और टाइम को अपने चारों तरफ इस तरह से व्रैप करता है कि इसमें एक बहुत ही बड़ा होल बना देते हैं, जिसके कारण जो इनकी ग्रेविटी होती है, वो बिल्कुल इन्फिनिटी लेवल पर पहुंच जाती है। अब मान लो आप किसी ब्लैक होल के पास जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप किसी ब्लैक होल के पास जाओगे, वहाँ पर ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, और ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, और आपके लिए टाइम वहाँ पर धीरा होता जाएगा। तो जैसे ही आप किसी ब्लैक होल के बिल्कुल करीब पहुँच जाते हो, बिल्कुल उसकी सिंगुलैरिटी या इवेंट होराइजन के पास पहुँच जाते हो, वहाँ पर आपके लिए टाइम बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, आपके लिए टाइम बिल्कुल रुक जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक वॉच ले लो और उसको आप रख दो अर्थ पर, और एक वॉच को ले जाओ आप रख दो हमारी सैटेलाइट पर। जब आप 24 घंटे के बाद दोनों वॉच को चेक करोगे, तो आप देखोगे कि जो हमारी अर्थ की वॉच है और जो हमारी सैटेलाइट की वॉच है, दोनों में टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। वो कुछ इस प्रकार होगा, क्योंकि जो हमारी अर्थ है, यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है, और जो हमारी सैटेलाइट है, वहाँ पर ग्रेविटी कम है। तो गाइस, चलते हैं अपने नंबर थ्री की तरफ। थ्री हमारा पल्सार। पल्सार हमारे होते हैं ब्लैक होल के बनने के जस्ट पहले वाले स्टेज। ये बनते कुछ इस तरह से, जब भी किसी स्टार का हाइड्रोजन और हीलियम जो फ्यूल होता है, वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है, तो एक ऐसा टाइम आता है जो उसके अंदर की ग्रेविटी होती है, वो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स को हरा देती है, और हमारी ग्रेविटी जीत जाती है, जिसके कारण जो हमारा स्टार होता है, वो अंदर ही कोलैप्स हो जाता है। वो इस तरह कोलैप्स होता है कि आप मान लो हमारी अर्थ कोलैप्स होकर एक छोटी सी गोल्फ बॉल में बदल गई। तरह से हमारा एक पल्सार होता है। किसी भी स्टार का जो डेड बॉडी बसती है, उसके अंदर जो कोर बसता है, वही हमारा पल्सार होता है, और यही होता है सबसे खतरनाक। और इसकी जो रोटेशन स्पीड होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो नॉर्थ और साउथ पोल में छेद करते हुए कुछ इस तरह से प्लाज्मा जेट को अपने आस चारों तरफ निकालती है, जिसके वजह से एक टाइम आने पर वो ब्लैक होल में बदल जाती है। और वो प्लाज्मा जेट तब तक निकलता रहता है, जब तक कि वो पल्सार और मैग्नेटार पूरी तरह से एक ब्लैक होल में नहीं बदल जाता। जब वो किसी ब्लैक होल में बदल जाता है, तो वो अपने आसपास के मैटर को अपने अंदर लेने लगता है। गाइस, चलते हैं अपने नंबर फोर की तरफ। तो नंबर फोर पर आते हैं हमारे डांसिंग ऑफ स्टार्स अराउंड अ ब्लैक होल। और ये इवेंट हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, इसकी सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और ये हमें यहीं देखने को मिला था। और इस ब्लैक होल का नाम है सेगिटेरियस ए स्टार। और इस ब्लैक होल का मास हमारे सन से 1000 गुना ज़्यादा है। मतलब आप समझ सकते हो कि इस ब्लैक होल के अंदर हमारे सन जैसे 1000 आ सकते हैं।
और ये ब्लैक होल हमारी अर्थ के सबसे नज़दीक का ब्लैक होल है। इसके अलावा कोई भी ब्लैक होल हमारी अर्थ के इतना क्लोज नहीं है। ये पहला ऐसा ब्लैक होल है जो हमारी अर्थ के सबसे क्लोज है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में। और साइंटिस्ट को इसका पता तब चला था जब ये ब्लैक होल खाते खाते इतना भर जाता है, इसके अंदर से सुपर जेट निकलने लगते हैं, सुपर प्लाज्मा के जेट निकलने लगते हैं। वो जेट्स अर्थ से क्लोज होते हुए गुजरते हैं, तब साइंटिस्ट को पता लगता है कि हाँ, एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में है और वो बहुत ही बड़ा है और सुपर मैसिव ब्लैक होल है। यहाँ पर मेरे पास आप लोगों के लिए छोटा सा सवाल है। यहाँ पर मैं आपको भी एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और आप लोगों को बताना है कि वो किस लैंग्वेज में, आप लोगों को मुझे हिंदी में ट्रांसलेट कर बताना है अगर आपको समझ में आए तो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर इस गाने को पूरा सुने। और अगर आपको समझ में आता है इसका हिंदी में ट्रांसलेशन तो मुझे DM करके ज़रूर बताएं। गाइस, आज की वीडियो में बस इतना। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।